हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क्स ऑफ नॉलेज। आज मैं अपने नॉमेनक्लेचर चैप्टर का पार्ट टू लेकर आई हूँ, जो कि एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स पर है। और फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट भी करें अच्छी अच्छी। और जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है मुझसे, वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ साइंटिफिक नेम्स पर, जो कि है एनिमल्स का। और ये एग्ज़ाम्स में जो एनिमल्स और उनका साइंटिफिक नेम आते हैं, मैंने आज उन्हीं को लिया है, चाहे वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है डोमेस्टिक एनिमल से स्टार्ट किया है, जो है कैट। इसका साइंटिफिक नेम होता है फेलीज डोमेस्टिका। फेलीज है हमारा जीनस और डोमेस्टिका है स्पीसीज। सेकेंड है हमारा डॉग। इसका साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस। काउ बोस इंडिकस। एलिफेंट एलिफास मैक्सिमस। इसके नाम से भी आप समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमस डैट मीन्स थोड़ा बहुत बड़ा। और इस नेम में आपने देखा होगा काउ का इंडिकस, यानी जो भी हमारे इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं तो उनके नाम के लास्ट में इंडिकस रहता है, ये आप ध्यान देंगे। आगे हमारा हॉर्स डंकी और जिब्रा, ये तीनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं एक्वस, इसलिए इसके नाम को याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। हॉर्स का साइंटिफिक नेम है एक्वस कैबेलस। डंकी एक्वस एसिनस। जिब्रा एक्वस क्वागा। शिप ओविस एरिस। मंकी रीसस मकाक। स्क्वायरल फेनेम्बुलस पेलमेरम। रैट रैटस नॉर्वेगिकस। हमारा स्क्वायरल उतना भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर ये एनिमल्स ज़रूर आते हैं, इसे आप याद रखेंगे। लायन पैंथेरा लियो। टाइगर पैंथेरा लियो, इसमें भी देख सकते हैं लायन और टाइगर दोनों का जीनस सेम है, लेकिन हमारा जो चीता है ये जीनस इनका सेम नहीं है, ना ही स्पीसीज। हमारे चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनाइक्स जुबेटस। फ्रॉग राना टिग्रीना। फॉक्स वुल्पेस बेंगालेंसिस। ये वर्ड आपको याद होगा, ये जो स्पीसीज है ये हमने बनियान ट्री जो पढ़ाया था उसका भी यही स्पीसीज था। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने पढ़ाया आपको साइंटिफिक नेम, वो एनिमल्स पे था। इससे पहले मैंने पार्ट वन का वीडियो बनाया था, उस पर मैंने आपको फ्रूट्स और वेजीज और कुछ ट्रीज और शायद फ्लावर्स का भी पढ़ाया था, और आज का हमारा पार्ट टू था। और अब मैं लास्ट और पार्ट थर्ड एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि मैं कल डालूंगी, और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स बचे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट चाहे वो स्पाइसेस के हों, मसाले के हों, या फ्रूट्स के, या वेजिटेबल्स, या फिर फ्लावर्स, इन सब के बचे हुए साइंटिफिक नेम्स मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे चैनल को अगर पसंद किया है आपने तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।